दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का डेबिट कार्ड का पिन ऑनलाइन कैसे जनरेट कर सकते हैं, जिसके लिए आपको ब्रांच या फिर AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के ATM मशीन पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपके पास आपका रजिस्टर्ड मोबाइल होना जरूरी है। इसके पहले दोस्तों लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में ऑनलाइन एक जीरो बैलेंस का सेविंग अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं, जहाँ पर दोस्तों आपको ब्रांच नहीं जाना पड़ा था, आपको घर बैठे आपका अकाउंट नंबर, कस्टमर आईडी और इसके साथ आपका डेबिट कार्ड भी मिल गया था। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वही डेबिट कार्ड का आप पिन ऑनलाइन कैसे जनरेट कर सकते हैं। सो गाइस, मैं हूं नीलेश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सुपर टेक्नोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। अपने मोबाइल या लैपटॉप में कोई एक ब्राउजर ओपन करना है। ब्राउजर में आपको सर्च करना है aubank.in। तो आप AU स्मॉल फाइनेंस बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों आपको लेफ्ट साइड में 3 लाइन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा डेबिट कार्ड सर्विस का, इस पर आपको क्लिक करना है। तो दोस्तों आप डेबिट कार्ड सर्विस वाले पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आप अपने डेबिट कार्ड को इनेबल डिसेबल भी कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों नीचे आपको ऑप्शन मिल रहा है, तो आपको एक ऑप्शन मिल रहा है जनरेट और अपडेट योर डेबिट कार्ड पिन ऑनलाइन विदाउट विजिटिंग ब्रांच और ATM। आपको ब्रांच या ATM जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ऑनलाइन आप अपने डेबिट कार्ड का पिन जनरेट कर सकते हैं, जिसके लिए दोस्तों यहाँ पर आपको नो मोर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो आपके सामने एक नया पेज खुलकर आ जाएगा, यहाँ पर थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। अब यहाँ पर दोस्तों आपको अपने डेबिट कार्ड का नया पिन बनाने के लिए सबसे पहले कुछ पर्सनल डिटेल फिल करनी होती है, जैसे यहाँ पर आपको अपना डेबिट कार्ड का डिटेल देना होता है। उसके बाद अपना पर्सनल डिटेल देंगे, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, OTP आपको वेरीफाई करना होता है। उसके बाद आपको पिन बनाने के लिए ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर आपको अपना 16 डिजिट वाला डेबिट कार्ड का नंबर डालना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक्सपायरी डेट चूज करनी है, जो भी एक्सपायरी डेट रहेगी यहाँ पर आप डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर कंफर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे दोस्तों आप कंफर्म करेंगे तो आपके सामने नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा, यहाँ पर आपको पर्सनल डिटेल फिल करनी है। जैसे यहाँ पर आपको अपनी कस्टमर आईडी दोस्तों CRN नंबर होता है, वही आपको यहाँ पर डालना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ या फिर पैन कार्ड डालना होता है, यहाँ पर दोनों में से कोई एक आप डिटेल डाल सकते हैं, आपको एक डिटेल डालना ही पड़ेगा। यहाँ पर आप डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हैं या फिर पैन कार्ड, तभी आपका यहाँ पर पिन जनरेट होगा या फिर आप रीसेट करेंगे, जो भी आप करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम अपना पैन कार्ड नंबर डालेंगे, उसके बाद यहाँ कन्फर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे दोस्तों आप कन्फर्म करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, OTP आपको यहाँ पर डालना है और सबमिट OTP पर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप सबमिट कर देंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का स्क्रीन आएगा, यहाँ पर देख सकते हैं कि सेट अप फॉर डिजिट पिन, यहाँ पर आपको डेबिट कार्ड का पिन बनाने के लिए ऑप्शन मिल गया है। तो यहाँ पर आपको अपना डेबिट कार्ड का 4 डिजिट का पिन डालना है, उसके बाद यहाँ पर रीएंटर करना है, उसके बाद यहाँ पर आपको कन्फर्म डालना है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपको एक सीरीज में नंबर नहीं डालना है, जैसे 111000 ऐसे आपको नंबर नहीं डालना है। आप जो भी नंबर डालेंगे आप 2 नंबर कम से कम होना चाहिए, 2233। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको कन्फर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप कन्फर्म करेंगे तो थोड़ा लोडिंग लेगा, उसके बाद आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको सेव का ऑप्शन मिल रहा है, इसको आप क्लोज कर देंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव सक्सेसफुली जनरेटेड योर डेबिट कार्ड पिन। आपके डेबिट कार्ड का पिन ऑनलाइन जनरेट हो चुका है, ना तो आपको ब्रांच विजिट करना पड़ा और ना ही आपको AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के ATM मशीन पर जाना पड़ा। आप सक्सेसफुली आप अपना ATM कार्ड का पिन जनरेट कर लिए हैं। आई होप दोस्तों कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। मन में कोई डाउट या प्रॉब्लम है तो नीचे आप कमेंट्स कर सकते हैं और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहाँ भी मैसेज कर सकते हैं nilesh094, या फिर पर्टिकुलर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगी, वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इस तरह नॉलेजेबल एंड यूजफुल वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।